हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कुवैत की एक कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों अल मुल्ला ग्रुप कंपनी। दोस्तों, अक्सर होता क्या है कि किसी भी कंपनी का इंटरव्यू आता है तो जो बहुत सारे भाई लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो बहुत सारे मन में डाउट होता है, कंपनी कैसा है, अच्छा है कि नहीं है, इसमें जाने पे कोई प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा, क्या टाइम पे सैलरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और बहुत सारे मन में डाउट रहते हैं। तो दोस्तों, इस कंपनी के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ कि कंपनी कैसी है, टाइम पे सैलरी देता है कि नहीं देता है, इसका मैनेजमेंट कैसा है, इस कंपनी में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा के रखिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों अब तक पहले पहुंच सके, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही इम्पोर्टेंट जानकारी मैं लेके आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कुवैत की अल मुल्ला ग्रुप कंपनी के बारे में। दोस्तों, अगर इस कंपनी में अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि ये कंपनी काम क्या कराती है। दोस्तों, यह एक इंटरनेशनल कंपनी है। दोस्तों, दुबई में भी है, कतर में भी है, कुवैत में भी है। दोस्तों, आप लोग को बता दें ये कंपनी कंस्ट्रक्शन लाइन का, उसके बाद से इस कंपनी का एक्सचेंज भी है, यानी बैंकिंग संबंधित दोस्तों ये काम ये भी कराती है, यानी दोस्तों इसका एक्सचेंज यानी बैंक भी है। दोस्तों, उसके बाद से कुवैत में इसका फैब्रिकेशन का भी काम चलता है, मेंटेनेंस का काम भी चलता है दोस्तों इस कंपनी का कुवैत में। दोस्तों, इस वीडियो में स्पेशली दोस्तों मैं कुवैत के लिए बताया हूँ। दोस्तों, कुवैत में अगर अल मुल्ला ग्रुप में आप जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन वर्क में, या जैसे मान लीजिए दोस्तों आप लोग इलेक्ट्रीशियन हो गए, प्लम्बर हो गए, पाइप फिटर हो गए, फैब्रिकेटर हो गए, अगर आप लोग जा रहे हैं तो दोस्तों इसमें सैलरी कितना लगभग लगाता है तो आप लोगों को बता दें, अगर आप फिटर हैं, पाइप फिटर या इलेक्ट्रीशियन हैं, तो 100 KD से 120 KD के अंदर सैलरी लगाएगा, प्लस 20 KD आप लोगों को खाने के लिए देगा। दोस्तों, इस कंपनी में आप लोगों को बता दें कि फ्री फूड नहीं है, खाना बना के खाना है, बाकी फैसिलिटी खाना बनाने के लिए जो सुविधा होता है कंपनी देगा, लेकिन आपको बना के खाना है, 20 KD खाने का पैसा ये कंपनी देगा। 20 KD के बाद दोस्तों अगर आप जितना खर्चा करते हैं वो अपने सैलरी से आपका खर्चा होगा, 20 KD के बाद 25 KD खर्च हो या 30 KD खर्च हो वो आपका होगा। दोस्तों, 20 KD कंपनी आपको ओनली देगा फूड का। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि अगर इस कंपनी में अगर कोई हेल्पर भाई जाता है तो उसका सैलरी कितना मिलता है। दोस्तों, हेल्पर की सैलरी इस कंपनी में 80 KD लगता है, प्लस 20 KD खाने के लिए हेल्पर को मिलेगा। इस कंपनी में जाने पे 2 साल का एग्रीमेंट होगा, 2 साल में दोस्तों 2 महीने की छुट्टी मिलेगी, टिकट मिलेगी, दोस्तों लीव सैलरी वगैरह आपको मिलेगा, बाकी एकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट सारा कुछ कंपनी प्रोवाइड करेगी, मेडिकल इंश्योरेंस भी इस कंपनी प्रोवाइड करती है दोस्तों। और मेन इम्पोर्टेंट बात दोस्तों कि ये कंपनी है कि सप्लाई है, तो नहीं दोस्तों, ये कंपनी है, ये सप्लाई नहीं है। तो दोस्तों, अगर इस कंपनी का इंटरव्यू कहीं चले तो आप लोग अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जितनी जानकारी थी इस कंपनी के बारे में मैंने दे दिया है, अगर कोई भाई इस कंपनी का रिटर्नर हो या इस कंपनी में है, अगर वीडियो देख रहा है, अगर उसको और भी कोई नॉलेज है और भी कोई जानकारी देना चाहता है, सजेशन देना चाहता है, तो इस वीडियो को कमेंट में दे सकता है ताकि और भी भाई लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। बाकी रही मर्जी जाने की आपकी, जाना आपको है तो दोस्तों डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि रहना आपको है और पैसा भी आपको ही लगाना है। तो दोस्तों, मेरा सजेशन यही है कि आप लोग भी अपने दोस्त से, मित्र से, या किसी भी जिस पे आप भरोसा कर रहे हैं उससे आप लोग पता करें, अगर आपको अच्छा लगे, पूरा सर्टिफाइड हो जाए, भरोसा हो जाए कि कंपनी अच्छी है, हम जा सकते हैं, तो आप लोग इंटरव्यू दें और जाएं, नहीं तो नहीं जाएं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी कंपनी है और बहुत सारी कंट्री है, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ आप लोग जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
तो मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।